सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर. जैसे जैसे वी विल गो थ्रू द चैप्टर, वी विल कम टू नो अबाउट द थीम्स, वी विल कम टू नो अबाउट द जॉनर. हम जैसे जैसे चैप्टर को रीड करेंगे ना, तो रीड करने के बाद हमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो स्टडी किया है, उसने हमारे हमारे नॉलेज को या हमारे इनसाइट को कैसे और डेवलप किया है. सो चैप्टर का नाम है, द नेम ऑफ द लेसन इज द थर्ड लेवल. अब ये थर्ड लेवल हमें क्या लेसन देता है वो हम आगे जानेंगे. बट दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय जैक फिनी. और अगर आप देखेंगे तो स्टार्ट में ही फर्स्ट आस्पेक्ट क्या, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव. सो इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर का जो थीम है, इट्स रिलेटेड टू द हार्श रियलिटी ऑफ वॉर. कि वॉर जब होता है उसके बाद इंसान को कैसा फील होता है, मतलब एक पर्सन के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ सकता है और किस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर के, जैसे हेलुसिनेशन हो सकती है या बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, वो रिजल्ट होते हैं उन एरियाज उन वो रिजल्ट होते हैं उन इंडिविजुअल्स के जो विटनेस करते हैं किसको, कॉन्फ्लिक्ट को, जो विटनेस करते हैं वॉर को. सो वी विल स्टार्ट द चैप्टर. द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू. तो अगर न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो प्रेजिडेंट्स हैं, अगर उनको भी बोला जाए, दे विल स्वेयर, वो कसम खाएंगे. स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना. ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, नॉट वॉट यू मीन बाई स्टैक. यू कैन सी, जैसे आई कीप माई बुक्स लाइक दिस, यू कैन सी इन ऑफिस द बुक्स आर लाइक दिस, दिस इज स्टैक ऑफ बुक्स. तो ऐसे ही वॉट हैपन्स इज दैट इन रेलवे, वैन यू गो टू रेलवे स्टेशन, तो देर इज अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स ऑफ वेरियस ट्रेन्स ऑफ वेरियस, बिकॉज एक पॉइंट से ट्रेन अलग अलग डायरेक्शन में जाती है. तो स्टैक ऑफ देर स्टैक मतलब पाइल ऑफ डेर है किसका, टाइम टेबल्स का. और सब कहते हैं कि दो ही स्टेशन है, सब बोलते कि देर आर ओनली टू, बट आई से देर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. बट नैरेटर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, मैं कहता हूँ दो स्टेशन नहीं है, देर आर थ्री, क्योंकि मैं गया हूँ, आई हैव बीन टू द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. सो वॉट इज दिस नाउ, अब आपको समझना पड़ेगा. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द थर्ड लेवल. Why is it so? It is because narrator को ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में दो लेवल्स नहीं है, वहाँ पे तीसरा लेवल भी है. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. तो अब जब मैंने ये कहा कि मैं थर्ड लेवल को भी पे, एक थर्ड लेवल भी है, तो फिर अगला स्टेप तो होना ही था, ऑब्वियस स्टेप था कि मुझे अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करनी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सच तो है नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है वो. तो आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल. मैंने उसको कहा कि थर्ड लेवल, फर्स्ट और सेकेंड लेवल ही नहीं है, कहाँ पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वहाँ पे एक थर्ड लेवल भी है. एंड ही सेड, और उसका रिप्लाई क्या था, इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. उसने कहा कि आप जागे जागे क्या देख रहे हो, सपने देख रहे हो, आंखें खोल के आप सपने देख रहे हो. इट्स अ सॉर्ट ऑफ, इट्स लाइक ही टोल्ड मी दैट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम हेलुसिनेशन. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. टू एड ऑन, ही ऑल्सो, उसने द साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड एडेड दैट narrator was unhappy. I here means narrator. That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. Jab meri wife ne suna, she was kind of mad, usko thoda samajh nahi aa raha tha, she gussa bhi ho gayi, but he explained, but usne usko samjhaya that he meant the modern world. कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है, बिकॉज इट्स फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज़, डर है, वॉर है, चारों ओर लड़ाइयाँ हो रही है, परेशानियाँ हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और भी इतना कुछ चल रहा है, तो
यही कारण है कि नैरेटर कहीं भागना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू एस्केप, और वो भागना चाहता है, और उसने कौन सी जगह ढूंढ ली है, उसने एक सपनों की दुनिया में, हेलुसिनेशन, ही इज हेलुसिनेटिंग कि ग्रैंड लेवल सेंट्रल पे स्टेशन पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक तीसरा लेवल भी है. वेल हु डजंट, एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप बट दे डोंट वैंडर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. हियर द फर्स्ट पैराग्राफ एंड्स. तो इट एंड्स बाई वेल हु डजंट, कौन नहीं जाना चाहता है. एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, हर कोई भागना ही चाहता है, हर कोई. सो व्हेन नैरेटर इज नॉट हैप्पी, नैरेटर जो है वो खुश नहीं है, लाइक व्हेन ही सेज दिस स्टेटमेंट एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, सो ही इज जनरलाइजिंग इट. ऐसा नहीं है, देर आर इंडिविजुअल्स जिन्होंने नेगेटिविटी में भी अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखा है, बट नैरेटर जो है, एज आई स्टार्टेड, नैरेटर इज नॉट हैप्पी, खुश नहीं है. वाई? बिकॉज वॉर हैज़ हैपन्ड, वॉर इज हैपनिंग अराउंड हिम. सो बट दे डोंट वैंडर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पैरा, बट दैट इज द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड. माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्प्ररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन. इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी US इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन. प्रेजिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो. सो बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्री. और यही कारण है वो कहता है, और कहते हैं मेरे सारे दोस्तों ने इस पर एग्री किया. एवरी वन, एवरी थिंग पॉइंट्स टू इट, हर कोई यही बात कह रहा है. जैसे अब मेरी, मैं ये नाउ हेयर नैरेटर, व्हाट ही टेल्स अबाउट हिज हॉबी. वो कहते हैं माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब भी मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ और उस अपनी हॉबी को जीने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे एक टेम्प्ररी रिफ्यूज मिलता है रियलिटी से. व्हाट डू यू मीन बाई टेम्प्ररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी? इट मीन्स कि जैसे डे टू डे लाइफ में हम सब काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं, फिर हम थोड़ी देर के लिए वी गो टू सम प्लेस, एन्जॉय करते हैं, वीकेंड पे एन्जॉय करते हैं, या अगर आपकी कोई हॉबी है, अगर आप गाना सुनना पसंद करते हैं, तो इट्स ए टेम्प्रेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. थोड़ी देर म्यूज़िक सुन लिया, थोड़ी देर कहीं चले गए, मंदिर चले गए, थोड़ी देर अच्छी कंपनी में बैठे, थोड़ी देर फ्रेंड्स के पास चले गए और उनके साथ मूवी देख ली. तो व्हाट इज़ दिस ऑल? दिस इज़ अ टेम्प्रेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. सो हेयर ऑल्सो राइटर कैसे टेम्प्रेरी रिफ्यूज ले रहा है? तो सी एवरी पैराग्राफ हैज़ सम बेसिक थीम इन विद इन इट. कुछ कुछ फ्रेजेज होंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज होंगे जिसके अराउंड आपके क्वेश्चन पेपर में, जिसके अराउंड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो दिस लाइन, अ टेम्प्रेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है. इट कैन कम इन योर एग्जाम्स. वेल मे बी, बोला उनके, मेरे लिए तो टेम्प्रेरी रिफ्यूज है, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को, माई ग्रैंडफादर वॉज नॉट इन एन एनवायरमेंट जहाँ पे वॉर था उनके आसपास. थिंग्स उनके लिए बहुत प्रिटी नाइस थी, पीसफुल थी, और जितना मैंने सुना है उन्होंने ये कलेक्शन स्टार्ट की थी. ही टेल्स अबाउट हिज ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर ने, नैरेटर के ग्रैंडफादर ने एक कलेक्शन स्टार्ट किया है. और उस कलेक्शन में क्या थे, उसमें एवरी US इशू था. US इशू का मतलब क्या होता है, हमारे इंडिया में भी स्टैम्प्स इशू होती है, तो ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में भी स्टैम्प्स इशू होती है, टिकट्स जिनको कहते थे पुराने टाइम में. अब तो टिकट्स का ट्रेडिशन ख़त्म हो गया, बट US इशूज, US स्टैम्प्स जो थे वो उन्होंने कलेक्ट किए थे. फर्स्ट डे कवर्स उन्होंने कलेक्ट किए थे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट डे कवर्स? जैसे कभी कोई नॉवल आता है या कोई मैगजीन आती है, उसका फर्स्ट डे का कवर वो उनके पास थे. और भी बहुत कुछ था. आई हैव अ फ्रेंड, उनके पास भी मैंने देखा है, उनके पास पुराने पुराने ट्रिब्यून के न्यूज़पेपर्स है. देयर आर गाइज हमारे जम्मू में है जिन्होंने ऐसा रखा है. प्रेजिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स, तो नाउ ही हैज़ कम्पेयर्ड इट, मतलब मेरे दादाजी एन्जॉय कर रहे थे उस एक टाइम में, प्रेजिडेंट रूजवेल्ट जो थे अमेरिका के, उनको भी ही ऑल्सो कलेक्टेड स्टैम्प्स, उनको भी अच्छा लगता था स्टैम्प्स को कलेक्ट करना.
एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट गैंग, नाउ ही कम्स बैक टू दैट थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल. वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस. मैं काफ़ी लेट तक ऑफिस में काम कर रहा था. आई वॉज इन है हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट. मुझे अपने घर जाना था. सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे. मैंने सबवे लेने की कोशिश की फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल. ग्रैंड सेंट्रल से मैंने सबवे लेने की कोशिश की बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस, क्योंकि वो बस से तेज है. कमिंग टू फोर पैरा नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड, एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गैबरेडाइन सूट एंड ए स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड. अब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ही डजेंट नो. बोला मैं एक ऑर्डिनरी गाय हूँ, मेरा नाम चार्ली है, मैं 31 ईयर्स का हूँ, और मैंने एक टैन गैबरेडाइन सूट पहना था, लाइट ब्राउन कलर का जो सूट होता है, समवॉट लाइक दिस लाइट ब्राउन कलर. तो इस कलर का मैंने सूट पहना था और एक स्ट्रॉ हैट थी विद अ फैंसी बैंड. आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड लाइक मी. मेरे आसपास भी कुछ वैसे ही लोग थे जिन्होंने मेरी तरह कपड़े पहने थे. एंड आई वॉजन ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. मैं कहीं से भागना नहीं चाहता था. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजिया माई वाइफ. मैं घर जाना चाहता था लुइजिया के पास, जो मेरी वाइफ है. आई टर्नड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी. तो मैं वहाँ से ग्रैंड सेंटर से वैंडरबिल्ट एवेन्यू गया, और जब कुछ स्टेप्स नीचे पहुँचा वहाँ पे जो ट्रेन्स मिलती है, जस्ट अ सेकेंड. सो आई टर्न इंटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. फर्स्ट लेवल जो था वेयर यू टेक द ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी. वहाँ पे कुछ ट्रेन्स है जिनका नाम क्या है, 20th सेंचुरी. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल. फिर मैं सेकेंड फ्लाइट पे गया, सेकेंड लेवल पे चला गया, वहाँ तक पैदल गया. और जैसे ही वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सब अर्बन ट्रेन जो है वो निकलती है, आई डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे. तो मैंने डक किया. डक करने का मतलब होता है जब हम सर झुका के जैसे कहीं अंदर घुसते, जैसे व्हेन वी जब हम किसी केव के अंदर भी जाते हैं, व्हेन वी गो इनसाइड अ केव वी डक आवरसेल्फ इनसाइड इट. हम ऐसे घुसते हैं किसके अंदर, केव के अंदर. तो वी डक्ड आई डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे. जो कहाँ की ओर जा रही थी, सबवे की ओर जा रही थी, एंड गॉट लॉस्ट. और मैं, मुझे समझ नहीं आया और मैं घूम गया. That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times. Please keep the book in front, beta, as already I have already told you. So he again says, I am always that's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times. मैं hundreds of time Grand Central में से आया हूँ गया हूँ. But I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. लेकिन हमेशा क्या होता है, I bump into का मतलब क्या होता है, like आप किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, या कहीं पे आपको नई जगह पे जाना है, नई शॉप ढूंढनी है, तो आप दो तीन जगहों पे ऐसे ही घुस जाते हो. तो वो हो गया दैट इट मीन्स यू नॉक डाउन देयर डोर और यू गो इनटू समथिंग विच यू डोंट नो. यू गो इनटू सम प्लेस विच यू डोंट नो अबाउट. तो जब इस तरह उसको हम बम्पिंग इनटू कहते हैं. वाई आर यू बम्पिंग इनटू माई जोन देयर. इफ सपोज आई डोंट लाइक पीपल कमिंग एंड मीटिंग मी एंड देयर इज सम गाय हु कम्स After every two, three days, he bumps into my zone. वो मेरे zone में bump कर रहा है. तो ये आपको समझना है. What do you mean by bumping into? आपको भी as a student किसी की life में bump नहीं करना चाहिए, और आपको भी एक अपने आसपास एक system create करना चाहिए कि कोई आपकी life में आपकी मर्जी के बिना bump in ना करे. So coming back to the point, coming back to the lesson. So, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. वंस आई गॉट इन टू ए टनल. अचानक एक दिन एक टनल में घुसा जो कम से कम एक मील लंबी थी, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. और मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया. अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट. एक दिन जब मैं किसी गली से, मतलब किसी एक स्टेयर में या कॉरिडोर से या किसी नई जगह से घुसा, कहाँ इस ट्रेन में, तो मैं कहाँ पहुँचा, 46th स्ट्रीट में पहुँचा, जो 3 blocks अवे थी. नाउ आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यहाँ हमारे यहाँ जैसे ये गली, एक चौक दूसरा चौक, ऐसे ही यूएस में ब्लॉक्स की बात होती है. तो 3 blocks दूर 46th स्ट्रीट में बाहर आया.
समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स. नाउ यू गो टू पेज नंबर 3, अगर आप राइट साइड में देखेंगे ना, एक फिगर दिखी हुई है, लेकिन यू कैन सी अ इमेज. इस इमेज में आप देखेंगे यू कैन सी 3 डोर्स, फिर ये इमेज ऊपर जा रही है, देख लो, देखो बेटा यू कैन सी. तो दिस इज वॉट ही इज ट्राइंग टू से, दिस इज वॉट ही इज ट्राइंग टू से. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पेड़ की तरह बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स. यू कैन सी इट टू योर राइट ऑन पेज नंबर 3. देर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट अ वे ऑफ एस्केप मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू बट आई नेवर टोल्ड माई स्कैटरिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. नाउ ही इज इमेजिनिंग, ठीक है, वॉट इज इमेजिनिंग कि वो समटाइम्स आई थिंक इसको ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल जो है किसकी तरह एक पेड़ की तरह है और इसमें से ना नई नई टनल्स निकल रही है जिनके बारे में किसी को पता नहीं, नोबडी नोज अबाउट कि टनल के अंदर के सिटी के अंदर ऐसी कुछ टनल्स है. इसको ऐसा लग रहा है ही इज हैलुसिनेटिंग. हैलुसिनेशन मैंने पहले भी बताया था, हैलुसिनेशन जस्ट मीन्स जब आप वैन यू थिंक आप हैलुसिनेट करने लगते हो कि ये चीज़ हो रही है, ऐसा हो रहा है और आपको रियल लगने लगती है चीज़ें जो कि बिल्कुल रियल नहीं होती है. तो इसको भी ऐसे ही ऑल्सो फेल्ट लाइक दिस एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी ईयर्स. नाउ वॉट ही हैज़ डन, क्योंकि बहुत सालों से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एग्जिट है, वहाँ से लोग बाहर निकलते हैं. जैसे हर सिटी में एक स्टेशन होता है, मेन स्टेशन होता है जहाँ से लोग निकलते हैं, जहाँ से कुछ लोग एंटर कहीं से करते हैं और निकलते किसी और स्टेशन से. तो हियर ही इज कंपेयर, द नैरेटर इज कंपेयरिंग एग्जिट विद द एस्केप, कि जिस तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से लोग निकलते हैं ऐसे ही ये जो जो इसको लग रहा है कि बहुत सारी टनल्स है कहाँ पे सिटी के अंदर अंदर से गुजर रही है, इन टनल से लोग एस्केप कर रहे हैं फ्रॉम लाइफ, वो जीवन से भाग रहे हैं या जीवन हाँ भाग ही रहे हैं बिकॉज ये जो नैरेटर का स्टेट ऑफ माइंड है दैट इज़ नॉट बैलेंस्ड, ही इज़ सफरिंग, वो बीमार है. एंड दिस ऑल इंटरेक्शन इज अराउंड नैरेटर एंड अ साइकेट्रिस्ट. And you know who psychiatrist is. Psychiatrist is someone who deals with the psychological issues. Yeah, if someone is facing any type of disorder, there he needs a psychiatrist. So, but I never told my psychiatrist friend about that idea. लेकिन what he is saying कि मैंने psychiatrist को कभी नहीं बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह Grand Central से लोग बाहर निकलते हैं इसी तरह से जिस एक और दुनिया है जहाँ से लोग भागते हैं, एस्केप करते हैं. सो ग्रैंड सेंट्रल के एग्जिट को कंपेयर किया गया है एक दूसरे वर्ल्ड के साथ, जो आप थर्ड लेवल राइट साइड में एक ट्री देखते हो जिसमें अलग अलग दुनिया अलग अलग टनल्स निकल रही है और इस टनल से लोग भाग रहे हैं इस दुनिया से, जिस दुनिया में आज के टाइम में जिसको राइटर विटनेस कर, जिसको नैरेटर विटनेस कर रहा है, ये एक ऐसा वर्ल्ड है क्योंकि ही इज सीइंग मिजरीज ऑफ वॉर, वो देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, तो वो एक एस्केप रूट ढूंढने की कोशिश कर रहा है. दिस चैप्टर इज अ बिट एड्रेसेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, तो बेटा थोड़ा इसको डीपली बार बार रीड करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन नाउ व्हेन ही एंटर्ड इनटू दैट टनल व्हाट हैपेंड. सो इट्स ऑल हैलुसिनेशन, ये समझना है कि इट्स नॉट रियल, ही इज फीलिंग, उसको लग रहा है कि मैं एक कॉरिडोर में एंटर कर रहा हूँ. The corridor I was in began angling left and slanting downward and I thought that was wrong but I kept on walking. जो corridor जब भी मैं corridor में enter किया तो corridor ऐसे ऐसे हिल रहा था. So you can see in movies जब हम कहीं enter करते फिर वो ऐसे उस इधर उधर हिल रहा है, सारा सब घूम रहा है. But I kept on walking, लेकिन writer चलता रहा. All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul. अब मैंने क्या ऑल आई कुड हियर, जब मैं चल रहा था तो मुझे अपने चलने की आवाज़ आ रही थी एंड आई डिडंट पास ए सोल. आई डिडंट पास ए सोल का मतलब हो गया नॉट इवन अ सिंगल सोल पास्ट मी, मतलब
ये चल रहा था, इसको अपने चलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन एक भी जो सोल है, मतलब एक भी इंडिविजुअल जो है वो इसको नहीं मिला। इधर पास ए सोल का मतलब है ही, देयर वॉज नो वन देयर हु ही कुड सी। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ ए हॉलो रोड अहेड द मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। और जैसे ही उस कॉरिडोर से मैं बाहर आ गया, तो व्हाट आई डिड, मैंने देखा ओपन स्पेस और वहाँ पे लोग बातचीत कर रहे थे। टनल टर्न शार्प लेफ्ट टर्न, टनल जो थी वो शार्प लेफ्ट थी, मतलब आगे निकल के बिल्कुल लेफ्ट में। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, थोड़ी सी अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, इट मीन्स हल्की सी स्टेयर्स की एक फ्लाइट थी, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल। और मैं कहाँ पहुँचा, थर्ड लेवल पे, कहाँ के, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। नाउ अभी तक एग्जिस्ट बेसिकली फर्स्ट और सेकेंड ही करता है, बट ही फील्स दैट ही हैज़ रीच्ड द थर्ड लेवल। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, बट पहले तो मुझे लगा कि कहीं ये सेकेंड लेवल ही तो नहीं है। किसको लगा, नैरेटर को। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, मैंने देखा रूम छोटा था। देयर वर फेवर टिकट विंडोज, छोटे छोटे टिकट के विंडोज़ थे, ट्रेन गेट्स थे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। इंफॉर्मेशन सेंटर जो था वो वुड का बना था और पुराने टाइप का था, उसका जो एस्थेटिक्स था इट वॉज अ बिट ओल्ड फैशन्ड। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। और जो मैन बूथ में बैठा था उसने ग्रीन कलर के आई शेड्स पहने थे और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। स्लीव प्रोटेक्टर्स आपने देखे होंगे बेटा, आजकल जब यूजुअली जब मैंने देखा लेडीज जब स्कूटी चलाती है तो पूरा वो हैंड यार वो स्लीव प्रोटेक्टर्स लगाए होते हैं, सो दैट देयर स्लीव्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी थिंग, लाइक अगर टैनिंग ना हो जाए तो दे यूज़ इट। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, लाइट्स डिम थी एंड इट वॉज फ्लिकरिंग। देन आई सॉ व्हाई, मैंने देखा क्यों, तो अचानक वहाँ पे पावर सप्लाई नहीं थी, देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। ओपन फ्लेम गैस लाइट्स क्या होता है, गैस लाइट्स तो आपको पता होगा पहले के ज़माने में लालटेन रहते थे, बट यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में लालटेन बिल्कुल एक डिफरेंट शेप के रहते हैं। मैं इनकी इमेजेस ग्रुप में ही फॉरवर्ड कर दूंगा, तो अगर आपको चाहिए होंगे यू कैन यूज़ इट, बट फॉर द सेक आप अगर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स को अपने गूगल पे भी सर्व करेंगे तो यू कैन गेट द इमेजेस एंड यू कैन नो किस तरह के होते हैं। लालटीन ही है बट यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरह के लालटीन होते हैं दैट यू कैन सी, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई बिलीव इन बुक रीडिंग, सो माई फोकस विल बी मच ऑन द लिटरेचर पार्ट रादर दैन द प्रेजेंटेशन पार्ट। प्रेजेंटेशन पार्ट इज समथिंग दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू विल गो एंड लुक इन टू इट। सो विद दिस जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जो फर्स्ट इसको दो वीडियो सेशंस में हम कंप्लीट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। इट विल टेक अस 2 days टू फिनिश द चैप्टर एंड विद दिस आई थिंक आई हैव फिनिश्ड सम पार्ट ऑफ द चैप्टर, बट वॉट वी हैव स्टडीड टिल नाउ इज समथिंग विच वी बोथ नीड टू रिकैप। आप सबको फिर से इसको रिकैप करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, चैप्टर का नाम थर्ड लेवल है, क्यों आप थर्ड लेवल, ये आप समझ गए होंगे, बिकॉज नैरेटर जो है ही फील्स, उसको ऐसा लगता है कि जो स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जहाँ पे सब कहते हैं, सब इवन कसमें देते हैं कि दो लेवल है, नैरेटर को फील, नैरेटर फील्स कि वहाँ पे तीसरा लेवल है, एंड ही हैज शेयर्ड विद हिज सिकैट्रिस्ट, उसने अपने सिकैट्रिस्ट के साथ इसको शेयर किया है। फिर सेकंड पैरा में ही स्पीक्स अबाउट हिज टेम्प्रेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, जहाँ पे स्टैम्प कलेक्शन के बारे में बात हुई है। देन ही स्पीक्स, देन ही टेल्स अस अबाउट हाउ ही कंपेयर्स द एग्जिट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जब वहाँ से निकलना, और उसका मानना है कि एक और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के में एक प्रॉबली हिडन टनल है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, जिसको आपने पेज नंबर 3 पे अगर राइट साइड में देखेंगे यू कैन फाइंड इट। और वहाँ से उसको लगता है कि लोग एस्केप करते, पीपल एस्केप बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड देम। तो कल या सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में वी विल फिनिश दिस चैप्टर एंड ऑल्सो डिस्कस इट्स क्वेश्चंस। बाय बाय एंड टेक केयर।